Allahu, 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 Allahu. एक सवाल आया है कि अगर किसी औरत की आस्तीन हाफ हो और उसने इतना बड़ा दुपट्टा पहना हो जिससे उसके हाथ ना खुलें और हाथ पूरे छुप जाएं, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। तो जहाँ तक नमाज का ताल्लुक है, अगर ये बात यकीनी है कि नमाज के पूरे दौरानिए में उसके हाथ छुपे हुए हैं, ढके हुए हैं और नहीं खुले, तो नमाज तो बहरहाल हो जाएगी। इसलिए कि असल मकसद ये कि जो औरत का सतर है वो छुपा हुआ होना चाहिए और औरत का पूरा जिस्म सिवाय उसके हथेलियों के, उसके कदमों के और चेहरे के, ये बाकी पूरा सतर है। लिहाजा ये पूरा जिस्म, उसके बाल सारे ढके हुए होंगे तो नमाज होगी, वरना नमाज ही नहीं होगी। तो अगर सारी नमाज में ये जिस्म ढका हुआ है तो नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन एक बात ये याद रखनी चाहिए कि औरतों के लिए इस तरह के कपड़े पहनना, बिलखसूस नामहरम मर्दों के सामने या इस तरह की मजलिस में या रस्तों में कि जहाँ उस पर किसी गैर महरम की नज़र पड़ती हो, ऐसे कपड़े पहनना जायज़ नहीं है और हराम है। हुज़ूर अलैहि सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया, सिनफानि मिन अहलिन नार लम अरहुमा, के मेरी उम्मत के दो जहन्नमी तबके ऐसे हैं जिनको मैंने अब तक नहीं देखा, लेकिन मेरी उम्मत में वो तबके आएंगे। उनमें से एक तबका जिनको हुजूर ने फरमाया कि ये जहन्नमी हैं, आपने फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, वो औरतें हैं जिन्होंने लिबास पहना हुआ होगा लेकिन वो बरहना होंगी। लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी, खुद भी हक के रास्ते से मुनहरिफ होकर गलत रास्ते पर चल रही होंगी और अपने इस तरह के कामों से दूसरे मर्दों को, दूसरी औरतों को भी राह हक से हटाकर उनको बदनजरी में मुबतला करके या नाजायज़ कामों में मुबतला करने का ज़रिया बनेंगी। आपने फरमाया, ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। वला यरिहन रीहाहा, और उसकी खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी। व इन रीहाहा लतूजदु मिन मसीरति कदा व कदा, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर दूर तक महसूस की जाएगी, बहुत दूर दूर से लोग उसको सूंघ सकेंगे, लेकिन ऐसी औरतें उसकी खुशबू से भी महरूम रहेंगी। तो अब इससे हमें पता चलना चाहिए कि जो चुस्त लिबास पहना जाता है, जो तंग लिबास पहना जाता है, या ऐसा लिबास पहना जाता है जिससे जिस्म छलकता है, या ऐसे मुख्तसर कपड़े पहने जाते हैं जैसे हाफ आस्तीन है जिससे उसका आधा हाथ नज़र आ रहा है, ये उसके सतर का हिस्सा है, ऐसा लिबास पहनना किसी गैर महरम मर्द के सामने बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और हराम है। इससे मुकम्मल इज्तिनाब करना चाहिए। Allahu, 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 Allah.